नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो खबर है शाहीन बाग से। आपको बता दूं कि शाहीन बाग में एक जिहादी भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है। सड़कों पर लगातार नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया जा रहा है, या यूं कहें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में अपने एजेंडे को सेट किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दूं कि शाहीन बाग में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं शाहीन बाग से, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बने रहिएगा खबर के साथ, क्योंकि शाहीन बाग की जो हकीकत है वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। वो हकीकत क्या है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात सीधे सीधे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शाहीन बाग में पिछले एक महीने से जिस तरीके से एक उन्मादी भीड़, एक जिहादी भीड़ सड़कों पर बैठी हुई है और आने जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, तो इसे आप क्या कहेंगे? अपने जवाब और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आपको बताता हूं कि दरअसल शाहीन बाग में चल क्या रहा है। जब से नागरिकता संशोधन कानून आया है तब से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए और कुछ हिस्सों से ऐसी भी खबरें आईं कि इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंदू विरोधी नारे लगाए गए, मजहबी उन्मादी नारे लगाए गए और नारा लगाया गया कि नारा ए तकबीर अल्लाहु अकबर। हालांकि विरोध था नागरिकता संशोधन कानून का, लेकिन हिंदू विरोधी नारे लगाए जाते हैं, मजहबी उन्मादी नारे लगाए जाते हैं। अब इसके बाद जो होता है वो आपको बताता हूं कि दरअसल दिल्ली का शाहीन बाग इलाका, ये वो इलाका है जब आप नोएडा से फरीदाबाद की तरफ जाएं या फरीदाबाद से नोएडा की तरफ आएं तो कालिंदी कुंज, जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग, ये इलाके बीच में पड़ते हैं। पिछले एक महीने से, तकरीबन एक महीने से शाहीन बाग इलाका बंद है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। और जो नोएडा से फरीदाबाद जाना चाहते हैं या फरीदाबाद से नोएडा जाना चाहते हैं, या तो उन्हें किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है या फिर मेट्रो का सहारा लेना पड़ रहा है। वजह यह है कि शाहीन बाग में पिछले एक महीने से एक बवाली भीड़ सड़कों पर बैठी हुई है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें 8-8 साल के बच्चे भी शामिल हैं, बच्चियां भी शामिल हैं। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, एक वीडियो भी सामने आया था, उस वीडियो पर भी काफी हंगामा मचा। खुद बीजेपी आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया, रीट्वीट किया और इस वीडियो में यह बताया गया था कि यहां पर जो उन्मादी भीड़ बैठी हुई है महिलाओं की, वो 500 से 700 रुपए लेकर बैठ रही है और शिफ्टों में ये 500 से 700 रुपए लिए जा रही हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस प्रोटेस्ट में दरअसल चल क्या रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक पोस्टर चल रहा है, इस पोस्टर को जरा ध्यान से देखिए। इस पोस्टर में तीन महिलाएं नजर आती हैं और इन तीन महिलाओं के माथे पर बिंदी है। लेकिन रुकिए, सिर्फ इतना नहीं है, इन महिलाओं के माथे पर बिंदी के साथ साथ महिलाओं के सिर पर हिजाब भी लगा हुआ है, यानी महिलाओं को काले टेंट से भी ढका गया है। जो कि ये काले टेंट से अपनी महिलाओं को ढकते हैं, कुछ वैसा ही इन्होंने इस पोस्टर में भी दर्शाया है। इस पोस्टर को देखकर आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के माथे पर बिंदी है, यानी ये महिलाएं कहीं ना कहीं हिंदू हैं और इन महिलाओं को ढक दिया जाता है काले टेंट से, जिन्हें ये लोग बुर्का बोलते हैं, यानी बुरके के साथ हिंदू महिलाओं को ढक दिया जाता है। अब क्या समझा जाए? क्या यह महज एक इत्तेफाक है? क्या यह महज एक सिर्फ एक पोस्टर है, या कुछ संदेश है जिसे हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर समझकर समझना नहीं चाह रहे हैं? दरअसल मैं आपको बताता हूं कि यह सीधे सीधे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अपनी मां बहनों बेटियों को बचाओ, नहीं तो उनका भी यही हश्र कर दिया जाएगा। यह पोस्टर सब कुछ कहानी बयां करता है, लेकिन इसी के साथ साथ इस पोस्टर पर आप एक नीचे एक निशान देख रहे होंगे और यह है स्वास्तिक का निशान। यह स्वास्तिक का निशान है, लेकिन स्वास्तिक के निशान को, जिसे हम लोग सनातन धर्म में जो है सातिया भी बोलते हैं, कुछ लोग सातिया भी बोलते हैं, तो इस सातिये के साथ जिस तरीके से छेड़खानी की गई है, इसे जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है, तो उसको देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर मंशा है क्या। हालांकि लोगों का कहना यह है, जब इस बारे में जब शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे पूछा गया कि आप स्वास्तिक का निशान यहां पर क्यों प्रयोग कर रहे हैं, तो बड़े ही क्यूट सा जवाब देते हैं और कहते हैं कि यह तो नाजी का निशान है, जर्मनी का तानाशाह नाजी, यह उसका निशान है और उसके निशान को हमने यहां लगाया है। सवाल दो उठते हैं। पहली चीज तो ये कि जर्मनी के तानाशाह जो नाजी का जो निशान था वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। दरअसल नाजी का निशान जो हुआ करता था, उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता था वो सफेद कलर का होता था, लेकिन यहां पर जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं वो लाल कलर का है। दूसरा सवाल ये कि नाजी के साइन को, नाजी के जो सिंबल है उसको यहां पर क्यों दर्शाया गया, भारत में क्यों दर्शाया गया?
तो ये अपने आप में साफ हो जाता है कि जो क्यूट सा जवाब आपके पास आया कि ये तो सिर्फ नाजी का निशान है, तो ये नाजी का निशान नहीं, दरअसल ये स्वास्तिक का अपमान किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर ऐसे ही चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में गजवाए हिंद कर दिया जाएगा। हालांकि हिंदू हमेशा से चुप रहा है और चुप ही रहेगा, क्योंकि हिंदू के अंदर इतनी ताकत नहीं, हिंदू के अंदर सहिष्णुता कूट कूट कर भरी हुई है और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जो सहिष्णुता है उसका ठेका हिंदू ने ले रखा है और कुछ वैसा ही अब दिखाई भी दे रहा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब गजवाए हिंद हो जाएगा, इसलिए जागने का अभी भी वक्त है। हालांकि बात फिर एक बार शाहीन बाग पर लेकर आता हूं। शाहीन बाग से ये दो पोस्टर मैंने आपको दिखाए, एक ही पोस्टर में ये एक तरफ आप देख रहे हैं कि महिलाओं को बिंदी लगाई जाती है और उनके ऊपर एक हिजाब ढक दिया जाता है, एक बुर्का ढक दिया जाता है, जिस काले टेंट में ये अपनी महिलाओं को ढकते हैं उस टेंट से जो है हिंदू महिलाओं को ढक दिया जाता है और नीचे स्वास्तिक के निशान के साथ छेड़छाड़ की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और पोस्टर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इस पोस्टर को भी देखिए। मां काली का ये पोस्टर है, मां काली की ये तस्वीर है और मां काली को भी हिजाब पहना दिया जाता है, बुर्का लगा दिया जाता है और इसमें लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे, महिलाएं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगी। लेकिन सवाल दो खड़े होते हैं। सवाल ये कि जब नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया जा रहा है, जब तुम्हें यह पता है कि तुम लोगों से इस कानून का कोई मतलब नहीं है, तो फिर यह जिहादी उन्मादी भीड़ नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में क्यों हिंदू महिलाओं की तस्वीरें ले आती है, क्यों स्वास्तिक का निशान बीच में ले आया जाता है और क्यों मां काली का अपमान किया जाता है? या ये सिर्फ महज कुछ मित्र हमारे हिंदू ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि ये तो महज एक इत्तेफाक हो सकता है, हर बात को हिंदू मुसलमान करना ठीक नहीं होता। जी हां, बिल्कुल ठीक नहीं होता और हम करते भी नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म हमें इसकी इजाजत देता ही नहीं है। शुरुआत से हम सहिष्णु रहे, बचपन से यही सिखाया गया कि जो हो रहा है उसे होने दो और हिंदू मुसलमान के फेर में मत पड़ो, क्योंकि सब गंगा जमनी तहजीब वाले हैं और यह भारत गंगा जमनी तहजीब का परिचायक है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस गंगा जमनी तहजीब का सारा ठेका हिंदुओं ने ले रखा है? सवाल इस बात का है कि क्या भाई भाई का ठेका सिर्फ हमने ले रखा है? हम आपके अजमेर शरीफ दरगाह पर भी चले जाते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि कभी कोई मुस्लिम आपके मंदिर में आया हो, आपका प्रसाद ग्रहण किया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन चूंकि ठेका हमने ले रखा है, कुछ क्यूट से हिंदू यह जवाब जरूर देंगे कि आप हिंदू मुसलमान की बात ले आते हो, ये सिर्फ महज एक पोस्टर है, इन पोस्टरों से कुछ निकलता नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सीधे सीधी बात है, ये सीधे सीधे एक समझाने वाली चीज है, एक दिखाने वाली चीज है और एक इशारा है इस तरफ कि अगर आज हिंदू नहीं जागा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू को जागने का मौका ही ना मिले। शाहीन बाग में लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है और शाहीन बाग से कच्छ कई मैंने ऐसे पोस्टर, ऐसे वीडियोस भी मेरे सामने आए। कल भी मैंने एक वीडियो देखा, उससे पहले भी एक वीडियो मैंने देखा था। कल जो मैंने वीडियो देखा है उसमें एक लड़की जो है वो खड़ी हो जाती है, एक छोटी सी बच्ची है और वो बच्ची कहती है कि मोदी हमें मार डालेगा, मोदी कह रहा है कि यहां से निकल जाओ, मोदी हमारे कागज मांग रहा है। बच्ची की उम्र तकरीबन रही होगी 9 से 10 साल। लेकिन इसको इतनी समझ कहां से आई कि मोदी इनसे कागज मांग रहा है और वो बच्ची कहती है कि हम मर जाएंगे, हम अपना सर कटा देंगे लेकिन हम यहां से उठेंगे नहीं। किस तरीके की जिहादी मानसिकता भरी जा रही है मासूमों में? क्या उससे पहले एक वीडियो देख रहा था मैं, 6 से 7 साल की बच्ची थी और वो नारे लगा रही थी, जो हिटलर से काम करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। आखिर चल क्या रहा है? क्यों अपने अपने एजेंडे को सीधा करने के लिए, अपने एजेंडे को साधने के लिए क्यों इन मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है? एक बच्ची का और भी इंटरव्यू देखा मैंने, एक बच्ची से एक पत्रकार आकर पूछता है कि आप यहां क्यों बैठे हैं, तो बच्ची जवाब देती है कि हमें जो है वो एनआरसी लाया जा रहा है जो कि अदृश्य है, एनआरसी अभी कुछ है ही नहीं। बच्ची कहती है कि एनआरसी लाया जा रहा है और मोदी हमें इस देश से निकाल देगा, मोदी हमारे सर कटवा देगा। जब उस बच्ची से पूछा जाता है कि आपने ये किस टीवी चैनल पर देखा, तो बच्ची साफ जवाब देती है कि मैंने एनडीटीवी पर देखा ऐसा। सोचिए, एनडीटीवी का बाकायदा नाम लिया जाता है और वो बच्ची कहती है कि एनडीटीवी पर मैंने ऐसा देखा। एक तरफ एक मीडिया ऐसी है जो इस पूरे प्रोटेस्ट पे अपना फायदा तलाश रही है, कुछ
कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस प्रोटेस्ट में अपना फायदा तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और देश के कठमुल्ले या कट्टरपंथी ऐसे हैं जो इस प्रोटेस्ट की आड़ में भारत को गजबाए इंद बनाने के सपने देख रहे हैं। लेकिन चूंकि हिंदू हैं हम, सहना हमारा काम है, सहते आए हैं और सहेंगे, आगे भी सहते रहेंगे, चाहे फिर वो कोई हमारे भगवान गणेश का अपमान कर जाए, चाहे मां काली का अपमान कर जाए, चाहे हमारी हिंदू माता बहनों का अपमान कर जाए। हम लोग तो वो भी कितनी आसानी से भूल जाते हैं, जब कश्मीरी पंडितों को घर से विस्थापित किया गया और कश्मीरी पंडितों को जब विस्थापित किया जा रहा था, जब घर से निकाला जा रहा था, तो मस्जिदों से अजान लगती थी और अजान के बाद मस्जिदों से ये शब्द उठते थे कि तुम यहां से चले जाओ और अपनी बेटी, अपनी माओ और अपनी पत्नियों को यहां छोड़ जाओ। हम लोग वो भी आसानी से भूल गए, क्योंकि भूलना हमारी फितरत में शामिल है, शांत रहना हमारी फितरत में शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोस्तों कब तक? तो ये वो वक्त है जब आज उठना होगा, इन लोगों को समझाना होगा, बताना होगा कि आप जिस कानून का विरोध कर रहे हैं उसका आपसे कोई सरोकार नहीं है, नागरिकता संशोधन कानून का आपसे कोई मतलब नहीं है, और जो आपसे विरोध करवा रहा है वो दरअसल आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, आपको भड़का रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इस खबर को शेयर जरूर करें, और अगर आपका खून खौला हो, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट में, जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया जाता है, लेकिन हिंदू महिलाओं के पोस्टर वहां पर लगाए जाते हैं, मां काली का पोस्टर वहां पर लगाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि ये विरोध महज नागरिकता संशोधन कानून का नहीं है, दरअसल ये सारा का सारा एजेंडा कुछ और ही है। इस खबर को हर हिंदू भाई तक जरूर पहुंचाएं, हर हिंदुस्तानी तक जरूर पहुंचाएं, और अगर आज आपने इस खबर को शेयर नहीं किया तो दोस्तों मैं बार बार यह कहता आया हूं कि वो दिन दूर नहीं जब आप इस खबर को शेयर कर ही नहीं पाएंगे, आप ऐसी खबरों को सुन ही नहीं पाएंगे। हम आप तक ऐसी खबरें लेकर आते हैं, लेकिन कम से कम आपकी जिम्मेदारी जरूर बनती है, और मुझ जैसे और भी भाई हो तो उनकी भी खबरों को शेयर करें, जागने का काम करें और दूसरों को जगाने का काम जरूर करें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।